श्याम से कहना सा आया था और उखाड़ कर ले गया बिहार के महागठबंधन की सारी कश्तियों को। नाविक फेल हो गए बाबा, माझी फेल हो गए, मलाह फेल हो गए, केवट फेल हो गए, कैसे चलेगा, दिन दुनिया खराब लग रहा है। लाला जी अग्वाला जी दोनों फेल हो गए, लाला अग्वाला दोनों फेल हो गए, सभी फेल कर गए। बड़ा स्थिति भयावह बा, खास करके भयावह ऐसे बा, लोकतंत्र मजबूत हो गए और एक साथ साथ विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र। आप न मान रहे बाबा, महागठबंधन तैयार कर रही है 20 पे पन्नों का ईवीएम हैकिंग कैसे किया जा सकता है, गूगल पे चल रहा है ट्रेंडिंग में। इस सारा चीज हुई नमन जी, अब जब सांप चल गए बिल में तो लकीर पिटला से कोनो फायदा नहीं है। तहरा अपना पर भरोसा ना रहा, अपना पार्टी पर भरोसा ना रहा, अपना गठबंधन पर भरोसा ना रहा, अपना भाई पर भरोसा, अपना बहन पर भरोसा ना रहा, अपना प्रत्याशी पर भरोसा ना रहा। भारत लाइव कितना जीता देगा चुनाव आपको? और वही भरोसा में हमनियों के भरोसा तोड़ दिला लोग, हमने कहता ये सोच लेकिन बिहार के आंकड़े ध्वस्त हो गए हैं। जितने भी बड़े बड़े पत्रकारों ने दावा किया था जितनी बड़ी बड़ी सीटों पे, आंकड़े भले ही मिलते जुलते हैं मगर सीटों का समीकरण जब देखने जाइएगा तो जो जिस सीट पर जिसको जिता रहा था वो सीट वो हार रहे हैं, अगली सीट जीत रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए। और है सब तो नीतीश जी, नीतीश जी बहुत बड़ा फैक्टर है। लगा था कि इस चुनाव में मांझी रालोसपा और कम से कम कुशवाहा फैक्टर बनेंगे महागठबंधन के लिए, मगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी कहीं से भी बढ़त नहीं बना रही है। नमन जी जितना दुश्मन भैया के बावजूद जी यदि रुआ सुरक्षित बनी एकरा मतलब बा कि रुआ में ताकत बा, पावर बा और जनता को पसंद है। बिल्कुल, मैंने दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पिया को जो पसंद है उसको नकार तो नहीं सकता। शराबबंदी रुआ बंद कहीं जी, शराबबंदी ध्वस्त माना था नहीं जा, हमने को मानता नहीं जा। लोग कह रहे शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जनता से हम बात कर रहे हैं शराबबंदी के सबको ध्वस्त माना तो हुए ऐसे की होम डिलीवरी, घर डिलीवरी, फलान डिलीवरी, ठिकाने। लेकिन एक ईगो फायदा हुआ जरूर करनी कि रोड पर जब पियक्कल नजर आते रहे, बंदूक नजर आते रहे, पिस्तौल नजर आते रहे, छुड़ा छू चुनाव में भी दारू बहुत बड़ा फैक्टर था। और सबसे बड़ा फैक्टर भाई चुनाव में वोट बदले खातिर दारू जन दियात रहे, वो दारू देवे के परंपरा खत्म हो गई बा। कितना दारूबाज पकड़ाई पड़े और हमनियों के नजर में कितना लोग बड़ू है, ना दारू है ना बंदूक है, चुनाव अब लड़ा गया है बंदूक मजबूरी है भाई, दोनों जगहों से चुनाव हार रहे, परिस्थितियां उनके विकट है, पार्टी टूट चुकी है, राइट हैंड को टिकट नहीं दिया, टिकट को आरोप लग रहा है कि बेच दिया आकाश सिंह से जो कि अखिलेश सिंह के पुत्र हैं और आते हैं बाहर से, इंडिया के बाहर से। 40 के 40 सीट जी के दावेदारी रहे एनडीए के कि हम जीतब जी, 40 के 40 सीट दावेदारी महागठबंधन के रहे कि हम जीतब जी, दावेदारी केकर पास भइल केकर फेल भइल अब तो आंकड़ा बता रहा बा। और सब वेबसाइट बड़ी खबर ये है बाबा अभी की कि 36 सीट पर भाजपा आगे है और 2 सीटों पर जीत घोषित हो गई है। बहुत जल्दी हम बताएंगे आपको कि 2 सीटें कौन है, हम आग्रह करेंगे अपने डेस्क ऑपरेटरों से कि जब बताएं कि 2 सीटें कौन है। अंतिम परिणाम रुआ अतने समझ ले, एक सीट उधर बल्ला डेफिनेटली होगी नहीं, 38 सीट पे दू जीत गई बा, 36 को पर आगे चल रहा बुढ़ुए, 2 सीट जोन बा, दोनों में स्थिति कमो बेसी है बा कि 40 के 40 मत हो जाए, क्लीन स्वीप मत हो जाए नमन जी। ऐसे बड़ी बात, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि 2 सीटें जहानाबाद और पाटलिपुत्रा जहां से महागठबंधन आगे लग रही है, इन दोनों सीटों पर मामला अब नजदीक आ जाता है, लगभग 6000 वोटों का अंतर रह गया है मीसा भारती और राम कृपाल कृष्ण, बहुत है ये स्थिति, ये बोलो कि 128000 पर मीसा भारती बाड़ी और 124000, यानी कि 4 से 5000 के अंतर चल रहा है, 4000 का अंतर रह गया है। अब लेटेस्ट अपडेट है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज है, खबरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि रामकृपाल यादव जो कि लगभग 15-20 हजार वोटों से पीछे चल रहे थे, अब ये अंतर आ गया है घटकर 4000 पे और ये अंतर पट सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2014 के चुनाव में 35-40 हजार का अंतर था, 20 हजार का। एक फिर से बता दें कि दोसरका सीट जो आगे चल रहा है महागठबंधन जहानाबाद, ओकरो स्थिति ठीक नहीं है, 6 से 5 हजार के बीच में ओकरो में जीत, जहानाबाद से भी 5-6 हजार का अंतर है, अरुण कुमार अंतर पड़ गए और 10 हजार वोट अरुण कुमार को आया है, 12 हजार और लगभग 10 हजार वोट नोटा को भी आया है। अब यह अंतर पड़ रहा है, अब जैसे सुरेंद्र यादव जो बाड़े वो मात्र 5000 वोट से आगे चल रहे बाड़े, स्थिति कभी पलट सकेला। और अब यहाँ देखिए गुदड़ी के लाल की बात होगी, पूरे महागठबंधन में अकेला कौन जीतेगा, सांसद बनेगा इस बार, यह भी चुनौती है बाबा। और वो भी ऐसा आदमी बनी जेकर के अपेक्षा ना कई ले रहे जी, पहली बार सांसद बनेंगे दोनों में से कोई, बड़ा गजब के बढ़ुए। हालांकि मीसा भारती तो राज्यसभा सांसद है, मगर ये जो सांसदी चलती है असली जो भोकाल होता है वो एक ही आदमी को मिलेगा मौका लग रहा है।
एकदम अब स्थिति को भी ना मिले हो सकता कम कमों पे सब ये पड़ू है कि 40 के 40 हो अगर पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो जाए तो हमें कोनो बड़ा अंतर ना हो और यही पर हमने आज बात क्या चलिए बक्सर की सीट की बात करते। बक्सर की सीट पे सबसे कमजोर कहा जा रहा है, लोग आकलन कर रहे थे बड़े बड़े टीवी चैनल की बक्सर से चौबे हार जाएंगे चुनाव। बस बक्सर से चौबे लगभग 70,000 वोटों से आगे हो गए हैं। बिल्कुल भी एगो बहुत बड़ा फैक्टर पड़ू है और ये फैक्टर हमने बताइए रहैया हमने के आंकड़ा में जहां जहां हमने के एनडीए के सीट दे रहैया ओजा हमने के पास बनी जा जी, जी, जी। जहां जहां महागठबंधन के दे रहैया ओजा मैंने धड़ाम से गिरल बन जा ऐसे महागठबंधन किसी के भी कहा सकता है हौसलों पे खड़ी नहीं उतरी है एकदम ना सबके हौसलों पे पूरा महागठबंधन हमने के यो बात कर रहे कि नीतीश कुमार जी एगो नेता पैदा कर दिले बिहार में लेकिन शायद हमने के फिर एक बार कह जा कि बस ट्विटर पर ही बाबा प्रॉब्लम क्या है ना कि नीतीश कुमार जी ने नेता तो पैदा किया था। नीतीश कुमार ने माझी को भी पैदा किया था, माफ कीजिएगा शब्दों को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं, नीतीश कुमार ने राजनीति में माझी जी को पैदा जरूर किया था मगर वो माझी जी विषहीन है ना, उनके जात जमात का वोट उनको मिल रहा है और ना ही वो अपने स्टैंड पे। उपेंद्र कुशवाहा भी उपेंद्र कुशवाहा के भी राजनीतिक रूप से अगर कोई पहचान मिल बढ़ुए तो नीतीश विरोध से और नीतीश कुमार के चलते पहचान मिल रहा। अगर मुकेश सहनी की बात कर ली तो नीतीश विरोध से ही आई बढ़े हैं। तेजस्वी यादव के तेज प्रताप की बात कर ली बहुत मजबूत मतलब विपक्ष भी नहीं बन पा रहा है, जो जो चार पांच सात पार्टियों 10 पार्टियों का बना है विपक्ष ये मजबूत भी नहीं लग रहा है कहीं से, ये पूरी तरह से ध्वस्त पड़ू है और ध्वस्त विपक्ष हो सकला ऐसा कि विपक्ष के जो लालच बा मुझे लगता है यहाँ से बाबा 5 साल यही सुनना पड़ेगा कि जदयू और बीजेपी में खाली फूट है और जदयू बीजेपी पर नकेल चढ़ा रही है, बीजेपी जदयू पर नकेल चढ़ा रही है, कहीं और तीसरा कोई नहीं रहेगा। नमन जी देश के एक बहुत बड़ा बात हम कहे जा रहा बानी कि मुद्दा विहीन राजनीति मुद्दा लगातार आप बोल रहे थे पूरे चुनाव बोल रहे थे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं जो ना देश में बेकारी बा बेरोजगारी बा भुखमरी बा किसान आत्महत्या करता है। अंत में तो मुद्दा ये हो गया था कि लालू यादव को जेल से निकालना है, बस मुद्दा यहीं पे आके रुक गया था सारा। ये सब बात के दरकिनार करते हुए, शिक्षा के दरकिनार करते हुए, बेरोजगारी के दरकिनार करते हुए, महिला सुरक्षा के दरकिनार करते हुए, सुरक्षा संरक्षा के दरकिनार करते हुए अगर मोदी और लालू फैक्टर हो जाए तो देश के भविष्य आगे सोच सके। और सबसे बड़ी बात यह है बाबा कि कहीं नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो वहीं लालू प्रसाद यादव जेल में सजा याफ्ता है, उनको कोर्ट ने इस देश के न्याय प्रणाली ने उनको जेल में भेजा और अगर इस तरह से ओपन मंचों पर आकर महागठबंधन के अगर जो उम्मीदवार है ये कहते हैं कि हम लालू यादव को जेल से बाहर निकालेंगे 23 मई को तो ये तो कहीं ना कहीं जनता और न्याय प्रकरण पर खुद ही बड़ा एक डिबेट हमने के बहुत बड़ा कर सकी ले जाओ और डिबेट आगे हुई भी लेकिन जोन ई चुनाव है ई चुनाव देखे के मिलल ट्रेंड देखे के मिलल जोन परिणाम देश भर से आ रहा बा हम खाली बिहार के बात ना करब देश भर से जोन परिणाम आ रहा बा वो पूरी तरह से बात के इशारा कर रहा बा कि अब देश में मुद्दा कुछ ना। हम एक और बात बोलना चाहेंगे, जो लोग एग्जिट पोल को गालियां दे रहे हैं, जो हमारे कमेंट्स में आके वीडियोस में गालियां दे रहे हैं कि आपके प्रेडिक्शंस गड़बड़ा गए हैं, ये गालियां बचा कर रखिए, बहुत जल्दी तेजस्वी यादव वापस आएंगे भैया, ट्विटर पर जमकर गालियां दीजिए उनको क्योंकि असली गाली के हकदार तेजस्वी यादव है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव घूम घूम कर मुद्दा विहीन चुनाव बनाकर घूम रहे थे उनके पास वो बातें नहीं थी बोलने के लिए तो ट्विटर पर ना कहीं भी जिससे वो चुनाव जीतते जिससे वो जनता तक पहुंचते, लालटेन की बात लगातार कर रहे थे मगर याद रखे कि एलईडी बल्ब का जमाना है बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात ही बढ़ुए कि अगर ये चुनाव में विपक्ष एकदम पूरी तरह से धराशायी बा तो एक पीछे सत्ता पक्ष के कौन दोस्त नहीं है, हम सत्ता पक्ष के ना 100 में 100 अंक देव लेकिन विपक्ष ध्वस्त बा ऐसे कि विपक्ष काम होला मुद्दा पर ले आई और मुद्दा पर ना ले आवे तो सबसे बड़ा अगर कहीं दोषी कोई बा तो राहुल गांधी बा तेजस्वी यादव बा नीतीश कुमार। एक बड़ी बात बोल दूं बाबा कि देखिए जिस तरह से लगता था कि 2015 के चुनाव में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, वो नीतीश कुमार ने भले ही राजनीतिक तौर पर लॉन्च कर दिया इनको मगर अपनी एक बहुत बड़ी जो कमजोरी है वो देकर गए हैं नीतीश कुमार इनको, ये भी नेता देखना चाहते हैं अपने समकक्ष में, ये भी चाहते हैं कि नेता ऐसे मिले जो दूसरी पार्टियों के हो, हमारी पार्टी में बड़े नेता कोई नहीं बने लेकिन भाई तक को नेता बनने नहीं दे रहे। नीतीश कुमार जी के पिछला इतिहास भी तो देखे के पड़ी, लालू प्रसाद के संरक्षण में रहकर के नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद के साथ रहकर के अश्विनी चौबे के साथ रहकर के सुशील मोदी के साथ रहकर के रामविलास पासवान के साथ रहकर के लोग झोला ढोकर के नीतीश कुमार नेता मान कैसे भुला गई रहा तू झोला कई दिन झोला है तू बाप के राजनीति पर आई वाला और बाप के राजनीति से तू तेजस्वी यादव अकेले अभिमन्यु है जो कि पेट में रहकर भी नहीं सीखे हैं, ये जिस दौरान क्रिकेट खेल रहे थे उस दौरान बिहार में राजनीति से एक तरह से संन्यास लिया था लालू यादव ने और उनकी राजनीति को जब वो रायसीना में बैठे हुए थे तो ढोया करते थे राम कृपाल, आज
राम कृपाल भी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो बनाने का मकसद वही था, राम कृपाल यादव 4000 वोट से मात्र पीछे है, यह आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 12-13 हजार वोटों से लगातार पिछड़ रहे थे मीसा भारती से, पाटलिपुत्रा की सीट पर कहा जा रहा था कि भूमिहार वोट नहीं करेंगे उनको, हालांकि नोटा बहुत नहीं दबा है और ये फैक्टर कहीं ना कहीं होगा बाबा। कमो बेश नमन जी जो नजर आ रहा है 40 में 40 अगर हो जाए तो मैं कौन गुराय निक है, और यह बात के बहुत मने दुख के साथ कहा जाता हुए कि देश के विपक्ष पूरी तरह से धराशायी बा, सत्ता पक्ष पूरी तरह से काबिज बढ़ुए और देश के जनता सत्ता पक्ष के बात समझ रहा बड़ी। 77 याद बा, 78 याद बा, 79 याद बा, 80 याद बढ़ुए और देश के जनता के उस सब याद बढ़ुए कि इतना बड़ा काला अध्याय जो कांग्रेस लेके आई रहे उकरा बाद जन विपक्ष एकजुट भई रहे उकरा बाद भी ना अपना के बचा पावल और सत्ता के बंदरबाट भई 5 साल में 5 गो प्रधानमंत्री बदल ले देश देख चुका। अब एक दो चीजें देखने वाली होंगी कि इस पूरे महागठबंधन के धज्जियां उड़ जाने का कौन लेगा जिम्मेवारी। क्या जिम्मेवारी डाली? ईवीएम की जिम्मेवारी हो गई। ईवीएम दो ट्वीट बाबा मैं अभी से देख रहा हूँ तेजस्वी यादव के अकाउंट में, ये फ्यूचर ट्वीट हो सकते हैं। एक ईवीएम को रोते हुए कहेंगे कि ईवीएम में धांधली हुई है, चलिए जीतने वाले को बधाई देते हैं मगर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, आगे से निष्पक्ष चुनाव होना। दूसरा ट्वीट बाबा, दूसरा ट्वीट जो मुझे लग रहा है वो ये होगा कि कांग्रेस को साथ में लेकर चलना कहीं ना कहीं गलती हो गई, ये इशारे में ट्वीट करेंगे। वो कहेंगे कि थोड़ा सा अगर मान मनोबल में समय नहीं लगता और अगर थोड़ा सा अपना जो कहा महत्वाकांक्षा कम नहीं करते कुछ पार्टियां तो हम भी निकल सकते थे, कांग्रेस पर कहीं ना कहीं पूरा हार का जिम्मेवारी थोपा जाएगा। भाई साहब पर कुछ बोल दो, भाई साहब को क्या बोलेंगे, वो तो भाई पे कुछ बोलते ही नहीं है। भाई साहब बैठ करके राजनीतिक में वो ऐसा सगल पैदा कर ले रहन कि चुनाव शुरू होकर से 2 महीना पहले तेजस्वी यादव पूरा राजनीति जगा दे रहन। याद करो लोग कि बैठ करके जनता दरबार लगावे लगे और पूरा बिहार एक बार खोल गई रहे और तेजस्वी यादव उस व्यक्ति को तो उनकी पार्टी ही बहुत तरजीह नहीं देती है। ये ना दोस्त बात, दोस्त ये बात शुरुआत तो घर से होगा, कि हेलीकॉप्टर से घूमने तक नहीं दिया जो कि जो स्टार प्रचारक था। शुरुआत ये बढ़ हुआ है और रहा सवाल कि कांग्रेस के दोस्त देवे से पहले खुद अपना गिरेबान में झांके देखे के हुई और आवे वाला चुनाव बाबा भले ही कांग्रेस सभी जगहों पे पिछड़ रही है मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर उनके मन मुताबिक सीटें दी गई थी और कैंडिडेट चुनने में स्वतंत्रता अगर मिली होती बिहार में तो कांग्रेस अच्छा कर सकती थी। महागठबंधन के चाहत रहेगा कि सामूहिक रूप से 40 के 40 मजबूत कैंडिडेट चाहे जौना पार्टी। रघुवंश बाबू की बात याद आ रही है कहीं ना कहीं, कॉमन सिंबल होना चाहिए था और कॉमन कैंडिडेट होना चाहिए था। नहीं बाबा बिल्कुल एकदम अंतर कला से बच जाते हैं पुरान राजनीतिज्ञ जी, अपना के तपौले बा देखले बा राजनीति ओकरा बात ना मानला के खामियाजा निश्चित रूप से। चलिए बाबा ने बता दिया क्यों हार जीत हो रही है, देखिए तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय मगर फिलहाल बिहार में महागठबंधन की कहीं जय नहीं दे रही है। नमन जी हम लास्ट में अपने कहल चाहब कि पत्रकार के धर्म हुए सत्ता के विरुद्ध सत्ता के खामी निकालल और यही काम विपक्ष के भी होला, विपक्ष फेल बा हमने के पास बनी जाए। भैया विपक्ष तो भय रहा ही नहीं तो अब हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी आ गई है सत्ता पक्ष पे भी नकेल कसने की, कसते रहेंगे। आप फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।